बड़ी खबर, जहां 22 अगस्त से प्रारंभ होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल के पांचवें दिन भी जिला मुख्यालय सहित समस्त विकास खंडों में लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहा। जिला मुख्यालय में जिला अध्यक्ष मोहम्मद जाकिर खान, जिला सचिव कैलाश रामटेके, ब्लॉक अध्यक्ष शंकर लाल कतलाम के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें अजय गुरला, महेंद्र राणा, दुबा कामेश्वर, गणपत गुरला, फारूक शेख, टी माधव राव, रविंद्र झाड़ी, बालेंद्र राठौर, श्रीनिवास मरकेला, यामिनी बंजारी, रेशमा गोड्डे, संगीता उप्पल, राजेश मिश्रा, मनोज कुड़ियम, रमन झा, कमल झाड़ी सहित समस्त सैकड़ों संख्या में कर्मचारी अधिकारी का धरना स्थल पर उपस्थित दे रहे हैं। कार्यालय, स्कूल, कॉलेज सब प्रभावित है, पर सरकार मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। सभी तरह न्यूज, सच की आवाज, बीजापुर जिले से सिरोज विश्वकर्मा की खास पेशकश। देख रहा हूँ, अगर कोई महंगाई भत्ता को लेकर पहली बार ऐसा हो रहा है कि महंगाई भत्ते के लिए भी अधिकारी कर्मचारियों को आंदोलन करना पड़ रहा है। इसके पहले हमारे छत्तीसगढ़ के संगठन के सभी पदाधिकारी, हमारे जेसीसी जे के सभी पदाधिकारीगण, आप सभी का स्वागत वंदन करती हूँ। तो आप दो हम सभी तरफ न्यूज सच की आवाज़ से बीजापुर जिले में पहुंचे हैं। हमने कोंडा गांव और फर्ज गांव हर जगह से देखते हुए आए। हमने नारायणपुर में भी देखा, जहां हर एक जगह पर फेडरेशन के कर्मचारियों का हड़ताल जारी है। हमारी टीम बीजापुर पहुंची, बीजापुर में यहां जो फेडरेशन कर्मचारी हैं जो समर्थन कर रहे हैं, किस प्रकार से सरकार का रवैया बना हुआ है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। वर्तमान की स्थिति में बताइए कि आप लोग का जो यह कर्मचारियों का हड़ताल चल रहा है, उसमें सरकार किस प्रकार से सहयोग कर रही है? की तरफ से, और हमारे 22 तारीख से हड़ताल चालू है और आज पांचवा दिन है लगातार, फिर भी अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम अभी तक आया नहीं है। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, सिर्फ 6% अभी तक बढ़ा है, वो भी पिछले 5 दिनों का जो हमने हड़ताल किया था उसके अनुसार 6% बढ़ाया गया है, लेकिन हम उससे सहमत नहीं है। जब तक हमारा 12% नहीं बढ़ेगा और जब तक हमको 34% डीए नहीं मिलेगा, तब तक हम ये आंदोलन जारी रखेंगे और तब तक हमारे हड़ताल चलता रहेगा। हाँ बिल्कुल, जब तक इनका 14% डीए प्राप्त नहीं होगा, तब तक इनका हड़ताल जारी रहेगा, यह बातें चल रही हैं। और भी यहाँ पर सर और आपसे जानना चाहेंगे, जो आपका हड़ताल है यहाँ पर अभी तक, ये आपके समर्थन में कौन कौन सी पार्टियाँ आ चुकी हैं और कौन कौन समर्थन कर रहे हैं? हमारे इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए जनता जोगी कांग्रेस, CPI वाले भी आए थे, आप पार्टी वाले भी आए थे समर्थन में, अन्य पार्टियाँ भी आई हैं। और हमारा जो मूल मांग है दो ही है, डीए और एचआरए। पूर्व में ये परंपरा बनी थी, हमारे कर्मचारी संगठनों का समझौता है सरकार के साथ, जब जब केंद्र सरकार डीए बढ़ाएगा तब तब राज्य सरकार को देना होगा। परंतु इस सरकार की अर्धर्मिता है, उस समय तो कोरोना काल चला, कोरोना काल के चलते हम लोग को हमारे मतलब उसको निलंबित किया गया डीए एचआरए को। उसके बाद जब हम लोगों ने 25 से 29 तक हड़ताल किया अल्टीमेटम देकर, मात्र हमारा जो गुट ही नहीं था, जिसने आंदोलन ही नहीं किया, उस गुट को बुलाकर कर्मचारियों के साथ मतलब अन्याय किया गया और 6% दे के हमको लॉलीपॉप दबाया गया, जिससे हम लोग खुश नहीं हैं। और हमारा जो 101 कर्मचारी संगठनों को जो फेडरेशन है, उस फेडरेशन को बुलाकर यदि शासन चर्चा करती तो इसका कुछ परिणाम और आता, ऐसा उम्मीद है। और अभी हमारी एक ही मांग है, 34% डीए देना होगा, मैंने देना होगा। सर, बीजापुर जिले में फेडरेशन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं जाकिर खान जी, उनसे बात करना चाहेंगे कि वर्तमान की स्थिति में आप लोग सरकार से जो मांग कर रहे हैं डीए और गृह भाड़ा भत्ता, उसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? यह जो हमारी मांग है, 2 सूत्री मांग है, हमने कई चरणों में सरकार से आग्रह किया, निवेदन किया, चेतावनी भी दी, और अब अनिश्चितकालीन आंदोलन में हम सब कर्मचारी चले गए हैं। पूरे प्रदेश भर में 90 से ज़्यादा संगठन के लोग इस हड़ताल में शामिल हैं, और हमारी 2 सूत्री मांग है जो सरकार को पहले से ही मालूम है, महंगाई भत्ता और 7वें वेतन मान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता। महंगाई भत्ता, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि पहले हमें 22% दिया जा रहा था, हमने जब 5 दिवसीय हड़ताल किया आकस्मिक अवकाश लेकर, उसके बाद सरकार ने हमें सिर्फ 6% महंगाई भत्ता दिया, वो भी आज की तिथि से। इस आज की तिथि से देने का तात्पर्य है कि हमारा जो पुराना महंगाई भत्ता जो हमको मिलना चाहिए था, जो 20-20 महीने से इस शासन ने लटका कर रखा है, वो पुराना राशि हमको सरकार नहीं दे रही है। साथ ही अभी भी हम 6%
महंगाई भत्ता केंद्र सरकार से पीछे हैं और कल ही आज जैसा कि आप सब जानते हैं केंद्र सरकार ने 4% महंगाई भत्ता और बढ़ा दिया है। तो अब हम 10% राज्य के कर्मचारी केंद्र से महंगाई भत्ता से पीछे हैं। वैसे में राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है, उन्हें अपने अधिकार से वंचित कर रही है, ये न्यायोचित नहीं है। सरकार को सभी कर्मचारियों की भावनाओं को देखते हुए, उनके अधिकार को देखते हुए मांग तत्काल पूरा करना चाहिए और इस आंदोलन को समाप्त करना चाहिए।